हेलो दोस्तों, एमजीआर टेक्निकल पर एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास है एक वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर जो कि कपड़ों को सुखाने के काम में ली जाती है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये 24 स्लॉट की है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ दोस्तों इसको हम मीटर से नाप लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका स्टेटर का जो कोर साइज़ है यानी इसकी जो मोटाई है वो 1.25 इंच के लगभग हो जाती है, यानी 0.75 इंच। चलिए इनर डायर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.75 इंच के लगभग इसकी जो अंदर का डायमीटर है वो हो जाता है। चलिए आउटर डायमीटर भी इसका देख लेते हैं, तो वो हो जाता है 4.25 इंच, यानी 4.25 इंच हो जाती है। तो दोस्तों ये हो जाती है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए इसको मैं पेपर पर लिख करके भी दिखा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हो जाता है इसका कोर साइज़ जो कि 1.25 इंच है, और आईडी हो जाती है 2.75 इंच, और आउटर डायर हो जाता है 4.25 इंच, और स्लॉट देखी जाए तो दोस्तों ये हो जाती है 24। तो चलिए अब बना लेते हैं इसकी चार कॉयल जो कि नीचे रनिंग में डाली जाएंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं चार कॉयल मैंने बना ली हैं जिसकी गोलाई 21 इंच है, और हर कॉयल में 160 टन इसमें डाली गई हैं। तो चलिए अब उठा लेते हैं एक कॉयल और अब डालना शुरू करते हैं स्टेटर में। तो यहाँ आप जो सबसे इसके जो कोने हैं उसमें बड़े बड़े स्लॉट दिए गए हैं, तो सबसे पहले किसी भी एक कोने में आप बड़ी स्लॉट में इसको डाल लीजिए, और बीच में दो स्लॉट खाली छोड़ने के बाद दूसरा कॉयल का जो दूसरा वाला सिरा है वो चौथे वाले स्लॉट में डाल लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बार इसमें कॉयल डाली जाएगी, दूसरा राउंड इसमें ऊपर यानी जब हम स्टार्टिंग वाला सर्किट डालेंगे तब इसी के ऊपर आने वाला है। तो चलिए यहाँ एक से चार में हम सिर्फ एक राउंड दे देते हैं, और उसके बाद इसी की अगली स्लॉट में जो इसके बराबर में एक एक स्लॉट खाली पड़ी हुई है दूसरा राउंड कॉयल का उसमें दे देंगे। तो यहाँ दोस्तों इसकी पिच हो जाती है 1 से 6, यानी 1 से 4 में हमने एक बार कॉयल को डाला तो वो हो जाती है इसकी पिच 1 से 4, और जैसे ही इसके दूसरी साइड में हम कॉयल को डालेंगे तो यहाँ बीच में 6 स्लॉट खाली हो जाएंगी, तो ये हो जाता है इसका पिच 1 से 6, यानी जब हम 4 स्लॉट बीच में खाली छोड़ेंगे तो यहाँ 1 से 6 पिच हो जाएगी, और जब बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ेंगे तो यहाँ पर इसकी पिच हो जाएगी 1 से 4। तो चलिए 1 से 6 में 2 राउंड कॉयल को डाल लेते हैं, और उसके बाद जैसे ही कॉयल का दूसरा राउंड डल जाता है तो उसके बाद यहाँ पर इस तरह का पीवीसी का वाइट कलर का एक टुकड़ा इसमें लगा दीजिए, तो यहाँ पर ये कॉयल हमारी कंप्लीट इंस्टॉल हो जाती है और अब बिल्कुल अच्छे से ये लॉक हो जाती है। तो यहाँ दोस्तों एक कॉयल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए दूसरी कॉयल को भी इसी तरह से इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, सेम टू सेम जिस तरह से हमने ये वाली कॉयल डाली है ठीक उसी तरह से बाकी की 3 और कॉयल भी इसमें इसी तरह से इंस्टॉल की जाएंगी, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। तो चलिए दूसरी वाली को भी हम उठा लेते हैं, और यहाँ पर इसके कनेक्शन भी हम साथ साथ करते चलेंगे क्योंकि ये जॉइंटलेस कॉयल हैं, यानी इसमें एक भी जॉइंट इसका कॉयल का नहीं है और हर कॉयल एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए इसके कनेक्शन भी साथ साथ करते चलेंगे। यानी एक कॉयल हम उल्टी डालते हैं और एक सीधी डालते हैं, यानी एक तरफ इनर डालते हैं और दूसरी ओर आउटर डालते हैं, ठीक इसी तरह से अब दूसरी ओर आउटर डाला जाएगा।
यानी जिस तरह से एक से तीन में आप कनेक्शन करते हैं, ठीक उसी तरह से इसके भी कनेक्शन हम करते चलेंगे, तो आखिर में यानी लास्ट में जाकर इसके सिर्फ दो ही लूप आपको नज़र आने वाले हैं, बीच में और कोई जॉइंट इसका नज़र आने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर हम इसकी चार कॉइल अलग अलग बनाते और उनको इसमें इंस्टॉल करते तो उसमें हर कॉइल के दो लूप हो जाते हैं, यानी कि अब हमारे पास आठ लूप बन जाती, जिसको एक से तीन में कनेक्शन कर लेने के बाद उसके बाद हमारे पास लास्ट में जाकर के दो लूप दिखाई देते। ठीक इसी तरह से जब चूंकि ये जॉइंटलेस कॉइल है और इसमें एक भी जोड़ नहीं है तो लास्ट में जाकर सिर्फ इसमें दो ही लूप नज़र आएंगी और बाकी इसके कनेक्शन ऑलरेडी इसी के अंदर होते चले जाएंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो एक एक कॉइल करके भी इसकी बना सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, और चाहे तो जॉइंट लेस भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं इसकी थोड़ी सी वाइंडिंग डाटा के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेहतर होगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए अब इसकी तीसरी वाली कॉइल को भी उठा लेते हैं, और जिस तरह से ये दो कॉइल डाली गई हैं ठीक उसी तरह से इस वाली कॉइल को भी सेम टू सेम इसी तरह इसको इंस्टॉल करेंगे, यानी एक से चार में एक बार और एक से छः में कॉइल को दो बार करके राउंड डाले जाएंगे। तो दोस्तों इस कॉइल को हमने 33 नंबर से बनाया था। अब मैं आपको इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा निकल कर आई थी वो 33 नंबर और 34 नंबर आई थी, जिसमें 33 नंबर से रनिंग बनाई गई थी, जिसमें 140 टन डाली गई थी, और स्टार्टिंग में 185 टन 34 नंबर वायर से इसमें डाली गई थी। तो ये कुल मिलाकर इसमें दो वायर यूज़ किए गए थे, जिसमें एक 34 नंबर स्टार्टिंग के लिए यूज़ किया गया था और 33 नंबर रनिंग में यूज़ किया गया था, जिसमें रनिंग में 140 टन 33 नंबर से डाली गई थी, और वहीं ऊपर स्टार्टिंग में 34 नंबर यूज़ किया गया था और उसमें टन डाली गई थी 185 यानी 185। तो ये इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा थी। अब मैंने सिर्फ इसमें एक ही वायर यूज़ किया है, जो कि 33 नंबर वाला वायर है, और नीचे भी यही वाला वायर यूज़ करूँगा और ऊपर भी 33 नंबर वाला वायर ही यूज़ करूँगा, जिसमें यहाँ नीचे यानी रनिंग में 160 टन इसमें डालने वाला हूँ, और उसके बाद क्योंकि ये अगर मैं दोनों पार्ट इसी में दिखाऊंगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी होने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए मैं इसको एक ही पार्ट में अपने व्यूअर्स को दिखा रहा हूं, और दूसरा पार्ट इसका मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आप इसकी जो ऊपर वाली स्टार्टिंग वाली कॉइल है उसको भी आप जान जाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं इसका पार्ट वन के नाम से इसकी वीडियो बना रहा हूँ, और पार्ट टू भी जल्दी ही आपके पास पहुंचने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब चौथी वाली कॉइल को भी हम जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। जिस तरह से हमने पहली वाली कॉइल को इंस्टॉल किया था ठीक उसी तरह से बाकी की इसमें टोटल नीचे और ऊपर जितनी भी कॉइल हैं सब सेम टू सेम इसी तरह से इंस्टॉल की जाएंगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये चारों कॉइल इसमें इंस्टॉल हो चुकी हैं, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये नीचे वाला सर्किट यानी रनिंग वाला सर्किट हमारा इसमें कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो का पार्ट वन कम्प्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।